काशी को यूं ही मोक्ष की नगरी नहीं कहा जाता। यहाँ पर ऐसे ऐसे सिद्धिपीठ हैं जहाँ पर दर्शन करने से भक्तों के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। काशी की धार्मिक मान्यता यह है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रहलाद गुप्ता। मेरे खास प्रोग्राम धर्म यात्रा में आपका स्वागत है। हम आपको बनारस की उन तंग गलियों में ले आए हैं जिस मंदिर का रहस्य जानने के लिए। उस मंदिर का नाम है माता संकटा देवी, यानी माता संकटा देवी के दरबार में अब हम आ चुके हैं और उस मंदिर का रहस्य जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं। आइए कि यहाँ के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर खुद भगवान शिव भक्तों को तारण मंत्र देकर जन्मों के बंधन से मुक्त करते हैं। यहीं से कुछ दूरी पर माँ संकटा का मंदिर भी है, जहाँ पर दर्शन करने से जीवन में आने वाले सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं। गंगा घाट के किनारे स्थित माँ संकटा का मंदिर सिद्ध पीठ है। संख्या माता मंदिर आती हूँ हमेशा दर्शन करने। वैसे तो मैं निस्वार्थ आती हूँ क्योंकि माँ सबका भला करेंगी, ठीक है, क्योंकि माँ कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। लेकिन फिर भी बस मैं आती हूँ तो उसे यही मांगती हूँ कि मेरे परिवार में और जो भी मेरे बच्चे के हैं, जो भी जिनको मैं मानने वाली हूँ, उनकी सुख शांति हमेशा बनी रहे। और मेरे साथ ऐसा होता है, और कभी रेयर मैंने माँ से अगर कुछ मनाया है इन क्रिटिकल कंडीशन, तो मेरा उन्होंने पूरा किया। यहाँ पर माता की जितनी अलौकिक मूर्ति स्थापित है उतनी ही अद्भुत मंदिर की कहानी भी है। धार्मिक मान्यता यह है कि जब माँ सती ने आत्मदाह किया था तो भगवान शिव बहुत व्याकुल हो गए थे। माता नाम है, जिसने भी सच्चे दिल से विश्वास किया है उसका माँ ने पूरा कार्य किया है। विश्वास हम भर जाते हैं, हम लोग विश्वास नहीं करते माँ के सामने आते हैं तो मेरे माँ में क्या बड़ी अच्छा है, क्या खूबी है, उसको चंद्र शब्दों में मैं सुना रहा हूँ। संकटा नाम है भव सागर से बचाती है, संकटा नाम है भव सागर से बचाती है। भरोसा जिसने किया वो सदा खुशहाल रहा, आंखों से देखा उसे वो तो मालूम ले रहा। सो काम छोड़ के जो माँ के दर पे अपनी तकदीर में खुशियां वो भर के जाता है। सच्चा दरबार इनका, सच्चा दरबार इनका सबको आजमाती है। संकटा नाम है भव सागर से बचाती है, संकट को दूर करे कष्ट माँ हटाती है। संकटा नाम है भव सागर से बचाती है, दया की सागर है लेकिन माँ भोली भाली है। लक्ष्मी दुर्गा कभी शीतला कभी माँ काली है। हजारों नाम इनके महिमा इनगिनारी है, सुन सुमय ससुर को जाके पल में मारी है, सुन सुमय ससुर को जाके पल में मारी है। क्रोध में आती है, क्रोध में आती है तो सागर
नगर को सुखाती है, क्रोध में आती है तो सागर को सुखाती है, संगता नाम है मौ सागर से बचाती है। भाग्य अच्छा है तेरा, भाग्य अच्छा है तेरा जो माँ तुम्हें बुलाती है, भाग्य अच्छा है तेरा जो माँ तुम्हें बुलाती है, संगता नाम है मौ सागर से बचाती है, संकट को दूर कर कष्ट माँ हटाती है, संकटा नाम है मौ सागर से बचन। भगवान शिव ने खुद माँ संकटा की पूजा की थी, इसके बाद भगवान शिव की व्याकुलता खत्म हो गई थी और माँ पार्वती का साथ मिला था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पांडव जब ज्ञातवश में थे तो उस समय वह आनंदवन काशी को पहले आनंदवन भी कहते थे, और जब वह वहां आए और माँ संकटा की भव्य प्रतिमा स्थापित कर बिना अन्न जल ग्रहण किए एक पैर पर खड़े होकर माँ का, जैसा कि नाम है संकटा, संकट को हरने वाली, संकट को हरने वाली माँ संकटा के नाम से विराजमान है। काशी खंडोक्त में ये विराजमान है, सिंधिया घाट के पास वाराणसी की तंग गलियों में माता का मंदिर है। शुक्रवार के दिन माता का विशेष पूजन होता है और माता को नारियल, लाल चुन्नी और अढ़ाउल की माला के भेंट लोग चढ़ाते हैं। जैसा कि काशी खंडोक्त पुराण में भी इस मंदिर का वर्णन है, ये मंदिर का निर्माण द्वापर काल में पांचों पांडव को जिस समय वन के लिए भेजा गया था तो उन्होंने इस मंदिर की उस समय स्थापना की थी, जिस समय वो काशी के लिए भ्रमण के लिए आए पांचों पांडव। तो ये मंदिर आप देख सकते हैं, मंदिर के अंदर जाइएगा तो पांचों पांडवों के द्वारा स्थापित मंदिर है। उस समय इस मंदिर का नाम था वन देवी के नाम से इनकी पूजा होती थी द्वापर में, और माँ के एक तरफ हनुमान जी विराजमान है, एक तरफ राम जी विराजमान है, ये सीता का स्वरूप। माँ वन देवी के नाम से पूजा होती थी, फिर धीरे धीरे चीरकाल समय बदलता गया, इनका नाम पड़ा विकटा, विकट को हरने वाली माँ विकटा के नाम से इनकी ख्याति प्राप्त हुई, और कलयुग में आज माँ संकटा के नाम से, जैसा कि अर्थात एक ही है विकटा यानी विकट को हरने वाली, और कलयुग में माँ संकटा संकट को हरने वाले के नाम से इनकी पूजन होती है। आप जब मंदिर के अंदर जाइएगा तो आप देखिएगा एक तरफ भगवती के हनुमान जी विराजमान है और एक तरफ भगवती के राम जी विराजमान है, और ऐसी मान्यता है कि माँ के दर्शन निमित्त मात्र से आदमी के सारे संकट दूर हो जाते हैं। इनका नाम ही है संकट को हरने वाली माँ संकटा। पांचों भाइयों ने पूजा की थी, इसके बाद माँ संकटा प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया कि गौ माता की सेवा करने पर उन्हें लक्ष्मी व वैभव की प्राप्ति होगी, पांडवों के सारे संकट दूर हो जाएंगे। इसके बाद महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को पराजित किया था। मंदिर में दर्शन करने के बाद भक्त गौ माता का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। कहा जाता है कि नारियल व चुनरी के प्रसाद से खुश हो जाती है माँ संकटा। जी हाँ, माँ संकटा को नारियल व चुनरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है जिसमें माँ खुश हो जाती है। यहाँ पर चढ़ाए हुए नारियल का स्वाद भी बेहद अलग होता है। प्रसाद ग्रहण करते ही समझ में आ जाता है कि किसी सिद्ध पीठ का दर्शन किया है। ये माँ संकटा नाम से जानी जाती है, ये बनारस शहर में मणिकर्णी का घाट के सन्निधि सिंधिया घाट पे इस माता का मंदिर है, और इसको चौक खाने से गली से आया जाता है, सड़क से आने मार्ग में, और घाट से आने के सिंधिया घाट से ऊपर आया जाता है, और यह माँ संकटा की मंदिर है। यह अनादि काल से स्वयंभू मूर्ति है, ये कोई स्थापित मूर्ति नहीं है, ये स्वयं यहाँ उत्पन्न भई स्वयंभू मूर्ति है, और यह माँ अनादि काल से यहाँ इनकी स्थान है। माँ कष्ट को दूर अनेकों तरह से करती है, जो भक्त अपने मन में श्रद्धा शक्ति लेके आएगा वही को कष्ट दूर करती है। सबकी कष्ट ऐसे दूर नहीं होता है, स्वार्थ भाव से आने से दूर नहीं होता है, निस्वार्थ भाव से माई के समझ आके समर्पित जो होता है उसकी कष्ट माई अनेक तरह से दूर करती है। माँ को फल मीठा
नारियल ये सब सारी चीज़ें भोग लगती है। माँ को अति प्रिय पिन्नी का भोग है, वो पिन्नी का भोग माई को लगाते हैं लोग अपने कष्ट दूर होने पे। माई में कोई सिंदूर चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई मीठा चढ़ाता है, कोई नारियल चढ़ाता है, ये माँ के अपने अपने भक्ति। सुबह प्रातः चार बजे पहले मंगला होती है, उसके बाद पुनः यह मंदिर बंद हो जाता है, फिर सुबह 6 बजे खुलता है, तो प्रातः काल के आरती होती है, उसके बाद 6 बजे से लेकर 1 बजे तक मंदिर खुला रहता है, 1 बजे पुनः बंद हो जाता है, तो फिर माई का स्नान श्रृंगार होकर दोपहर में 2:30 बजे माई की भोग लगती है। भोग में पूरी सब्जी ये सब पक्की रसोई भोग लगती है, उसके बाद 3 बजे खुलता है, 3 बजे से लेकर फिर रात को 9 बजे तक खुला रहता है, 9 बजे पुनः बंद हो जाता है, 9 बजे बंद होने के बाद 10:30 बजे खुलता है, साइन आरती 10:30 बजे शुरू हो जाती है और रात में साइन आरती होकर 11:15 तक मंदिर बंद रहता है। माँ संकटा के मंदिर में इतनी ऊर्जा है कि वह देवताओं के साथ भक्तों का भी कष्ट दूर करती है, इसलिए पार्वती की रूप में माने जाने वाली माता को माँ संकटा कहा जाता है। शुक्रवार को यहाँ पर दर्शन करने के लिए दूर दराज से भक्त आते हैं और जीवन में आने वाला संकट दूर हो जाता है। माँ का रहस्य यह है कि उनका रहस्य कोई जान ही नहीं सकता, ये आदि काल से है, ये संकट हरनी है, किसी पे भी संकट आता है संकट हरनी है, और ये किसी पे राहु ग्रह चलता है तो राहु ग्रह भी यहाँ कटता है, क्योंकि ये राहु ग्रह की पत्नी है, इसलिए यहाँ लोग आते हैं, नारियल चुंदरी फल मेवा पिन्नी इनका सबसे बढ़िया भोग है, इनको प्रिय भोग है, वो पिन्नी चढ़ाया जाता है। हालांकि हमारी शादी जो है 1967 में हुआ है और एक व्यक्ति ने हमारे दुकान के पड़ोस में कहा कि अब बेटा शादी हो गया है, आप जो है चलिए संगधा माई का मंदिर में दर्शन करें हर शुक्रवार को। 1968 से आज तक हम यहाँ आए हैं, हालांकि चारों धाम वगैरह वगैरह
कई जगह हम गए, लेकिन फिर भी अपने लड़के को हम कह दिए थे कि हम जब तक हम यूनिवर्सिटी बनारस में नहीं हैं तब तक आप जो है शारदा माता का दर्शन करिए। यहाँ पर हमारी ज़िंदगी में बहुत काफ़ी उतार चढ़ा है, लेकिन शारदा माता हमेशा जो है हमें जो है अच्छे मार्ग दिखाया और हमेशा दुख को हमारे हर दिए और हमें बुरे समझा। आज भी हम जो है आप समझ लीजिए 62-51 साल से हम जो है माँ शारदा जी के मंदिर में पहुँचे हैं। एक बार हमें चिकुनिया का जो बीमारी हुआ था 3-4 साल पहले, हम नहीं आ सके, बहुत मुश्किल से जो है हम रिक्शा से उतर भी नहीं सके, लेकिन फिर भी आए हैं शारदा माँ के मंदिर में दर्शन किए और उनके कृपा से हमारा हर दुख जो है हमेशा जो है हर। अब संकटा जी का मंदिर है जहाँ जो भी सब आते हैं उनकी मनोकामना, मैंने सब कुछ सुना है, दर्शन करते हैं उसको सबको पाई जाती है। और यहाँ पर यह इस मेले में यही मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इस कारण सभी लोग दूर दूर से भी आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और सबकी मेरी चेष्टा ये है कि मेरी जो भी मनोकामना है सब पूर्ण होती है। मेरा बच्चा भी मतलब पैदा हुआ था इसी के कारण, सबको संकटा के कारण जी। ये संकटा माँ का मंदिर है, यहाँ बहुत अच्छी तरह से यहाँ का मंदिर जो है बहुत विशाल है। यहाँ हम हमेशा दोनों दर्शन करने आते हैं हर शुक्रवार को। यहाँ पर यहाँ माता का श्रृंगार भी होता है नवरात्र में। ये काशी का बहुत ही पुरातत्व मंदिर है ये, और हमारे करीब कई पीढ़ियों से हम लोग जानते हैं, हमारे दादा लोग बताते हैं कि ये माता का यहाँ मंदिर स्थित है संकटा माँ का। ये माँ संकट मोहिनी माता है, ये सिंधिया घाट के ऊपर विराजती हैं संकटा घाट नाम से। यहाँ पर आने से सभी तरह के कष्ट और दूर होते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण होती हैं। माता को यहाँ चुनरी नारियल अन्य तरह के प्रसाद भोग चढ़ाए जाते हैं।